बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल लाइव विद अहसन खान। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैर खैरियत है। नया साल है और सब कुछ नया नया है। वैसे कुछ भी नहीं नया ना, बदला कुछ भी नहीं होता, बस टाइम डेट सब चीज़ें चेंज होती हैं और साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है कुछ बदल गया है। बदलता कुछ भी नहीं है, बदलता सिर्फ तब है जब आप मैं हम सब खुद कुछ बदलते हैं। अब वो कैसे बदलेगा जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे? सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट। सो जैसे पिछले एपिसोड में मैं बोल रहा था कि हमारे मुल्क के लिए ये साल आई होप कि अच्छा रहे हम लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा होगा तो हमारे साथ भी सब कुछ अच्छा होता रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे फॉर योर कंट्री एंड जस्ट नॉट प्रे, जस्ट नॉट सिट देयर एंड वॉच, वी हैव टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। आप क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए, मैं क्या कर रहा हूँ और हम क्या चाहते हैं, हमारी नीयत क्या है, किस तरह से हमने पॉजिटिविटी को आम करना है, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप जो चीज़ स्प्रेड करते हैं इट कम्स बैक टू यू। इफ यू आर थिंकिंग बैड, आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, कोई नेगेटिविटी आपकी अप्रोच में, अगर नेगेटिविटी है तो फिर नेगेटिव वाइब्स होंगी, तो पॉजिटिविटी रियली मैटर्स। अच्छा, अब इकरा और यासर की शादी भी, मैं उन दोनों को हमारे शो के हवाले से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। दे मेक अ वंडरफुल कपल, दे ब्यूटीफुल पीपल एंड आई जस्ट होप एंड विश ऑल द लक फॉर बोथ ऑफ देम। अच्छा, एक और न्यूज़ जो बहुत वायरल हुई, आई शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट इट, बट मुझे बड़ी एक बात बुरी लगी कि अगर किसी कपल में सेपरेशन है, कोई नाराजगी है, वक्ती है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, और या वो डिवोर्स का सोचे नहीं सोचे, यार आप लोग पहले बात को सोचें, समझें, देखें। मतलब ये तो हमारे, मैं आई एम टॉकिंग टू द मीडिया पीपल ऑल्सो, यू जस्ट कांट रैंडमली राइट थिंग्स एंड से के इस वजह से ये हो रहा है और उस वजह से ये हो रहा है। आप कुछ वेट करें, उनको कुछ अनाउंस करने दें। आप खुद ही वो कहते हैं ना, कयास आराइयाँ आपकी स्पेकुलेशन होती हैं और आप लोगों के बारे में लिख देते हैं चीज़ें जब वो नहीं चाहते अनाउंस करना, तो दैट्स अ लिटल यू नो इट्स वेयर्ड। आई पर्सनली डोंट फील इट्स वेरी गुड। तो थोड़ा सा हमें भी देख के खबर को आगे फैलाना चाहिए। अच्छा साहब, आगे बढ़ते हैं तो हमेशा की तरह हमारे दोस्त, हमारे प्यारे प्यारे लोग, सेलिब्रिटीज, पाकिस्तान के ज़बरदस्त एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशंस और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्पोर्ट्स पीपल, बहुत से भी इस शो के मेहमान बनेंगे और आज भी दो लोग बड़े स्पेशल हैं। पहले मैं बुलाऊँगा हमारी, मैं तो उनको मतलब शी इज़ अ मल्टाई टैलेंटेड, यानी मतलब मैं उनका जब इंट्रोडक्शन कराऊँ तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा यार कि मैं उनको मतलब शुड आई से शी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, शुड आई से शी सिंग्स रियली वेल, शुड आई से शी इज़ अ ग्रेट होस्ट, और शुड आई से के यार स्टाइल आइकॉन भी हैं, डांस भी बहुत अच्छा करती हैं, मतलब सब कुछ यार, सुपर टैलेंटेड एंड शी ऑल्सो स्पीक्स वेरी वेल, माइंडसेट भी ज़बरदस्त है, दोस्त है। आजकल एक फिल्म मेरी उनके साथ शूट हो रही है, रहबरा, एक साल से शूट हो रही थी, बीच में रुकी, फिर अब दोबारा शूट हो रही है और इस साल 2020 में आप उस फिल्म को देखेंगे भी। आप समझ गए ना कौन है, पैकेज देखें, देखते हैं पैकेज। सो लेट्स वेलकम आयशा उमर। मैं तो खो गया था, शॉट देख रहा था कि स्टूडियो से कौन उतर रही है यार, लुकिंग गॉर्जियस, थैंक यू, बट दोस स्टेयर्स वर अ लिटिल स्कैरी, या बिकॉज़ यू नो विद द हाई हील्स, मतलब अच्छा, यू आर लुकिंग लवली, थैंक यू, आई लव व्हाट आई एम वेयरिंग एक्चुअली, इट्स दिस गॉर्जियस जैकेट बाय शमाइल अंसारी, इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, यू नो व्हाट आयशा, स्टाइल आइकॉन तो पाकिस्तान में कांसेप्ट नहीं होता था कभी भी, बट आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जिसने रेगुलरली ये टाइटल विन किया है। Do you make a lot of effort? Sometimes I do. Okay. I do make a lot of effort, but I'm also very laid back about a lot of things. मतलब मैं एक कुछ चीजें हैं जिनका मैं सोचती नहीं हूँ। Okay. जैसे अभी जब मैंने अपना outfit पहना तो मैंने कहा, ओहो भाई ring नहीं है। तो what I start doing is कि मैं लोगों से पूछ रही होती हूँ, किसी ने किसी के पास पहनी हुई है, किसी ने कोई bracelet पहना है, मुझे दे दे। So मैं बहुत hands on हूँ। Okay. You know? लास्ट मिनट तक मुझे पता नहीं होता मैं क्या पहनूंगी, लिटरली व्हेन आई एम गोइंग समवेयर, समटाइम्स आई एम गोइंग टू एन इवेंट और समथिंग, और मैं अपने क्लोजेट में जाती हूँ एंड आई एम लाइक, अच्छा ये निकालो, ये निकालो, एंड समटाइम्स इट वर्क्स,
Most of the time. Most of the time it works. Somehow, yeah. You look gorgeous. We see the red carpet. You look lovely. Thank you. Yeah, but yeah. It's strange because when I was growing up, Ahsan, I was a complete tomboy. Okay. And I used to wear mismatched clothes all the time. I really didn't care about how I looked, my hair, my clothes, nothing. Uh-huh. And then I think this profession maybe made me a little more conscious. And then I'm a painter. Bhi hun. Painter bhi hai yaar, NC, of course, I remember. So I remember. I went to art school. Yeah, aesthetics are in my blood. Okay. Right, so I can do my makeup myself and because it's all part of art. Lovely, wonderful, Ayesha. Acha, hamare ek aur zabardast dost bhi hain, hamare bade pyare dost hain. I know. Super talented. Mera ek play jiska mujhe bada feedback mil raha hai, Alif. Usme halanki extended cameo hai mera aur baki sabne Sajal ne, Hamza ne aur Kubra ne sabne bahut acha kaam kiya. Manzar sahab bhai, mere paas jab scene aaya na Ayesha, to mujhe laga ki Manzar sahab usme hai na, ye to maine karne hain sare scenes because Manzar sahab is a wonderful actor. Yaar. Wonderful actor. Aur Haseeb pe director hai. Aur maine jab ye gana suna na Alif bas, to maine kaha yaar bas end ho gaya. To acha main ek mazey ki baat batau. Yeah. Jab main when I joined this industry and when I came to Karachi, maine jo apni zindagi ka pehla gana gaya tha, it was a soundtrack of a soap, OST. Okay. Wo inhone hi banaya tha. I can और इन्होंने compose किया था कौन सा which कोई तो हो yes very nice yes I remember so yeah. Ayesha please invite our guest. I'm a huge fan of his music aesthetic, of his compositions, of his voice, and वो गाना आज तक it's one of my favorite songs. So I think we should call him. Yes, please go ahead. All right, guys, we will. You know, welcome. Reveal the surprise. Yeah. और हमारे साथ मौजूद हैं शुजा हैदर. शुजा हैदर, आइए. कैसे हैं बॉस? How are you doing? So good to see you, man. Same here. आइए. Hello. Assalamualaikum. How are you? अच्छा somehow मुझे देख के लगा कि आप लोग दोनों तो एक दूसरे को जानते नहीं हैं. क्यों? हाँ? नहीं नहीं. बिल्कुल जानते हैं. क्यों नहीं? हमने बड़ी बातें की पीछे खड़े होकर. अच्छा भाई, कोक स्टूडियो में गाने वाने भी चल रहे हैं, ओएसटीज भी चल रहे हैं, जिंगल्स भी चल रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो मैं इतना म्यूजिक किया है, मैंने सोचा कि अपने अपने लिए भी कुछ करें. तो नाउ वर्किंग ऑन माय एल्बम. तो मैं अपने पूरा सेटअप स्टूडियो से उठा के घर ले गया हूँ और सूप पी रहा हूँ, खाने खा रहा हूँ और गाने बना रहा हूँ. इसीलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे, तो आपको लगा कि हम जानते नहीं हैं. जब गा रहे होते हैं तो आवाज को प्रिजर्व करना. ओके. सही कहा ना? या सही कहा, चलो मान जाते हैं. सो एल्बम पे काम चल रहा है और बाकी साथ में और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. अच्छा, ये काम फैमिली में रन करता है, पूरी फैमिली करती है ये काम? सब लोग हैं? हाँ, सब लोग हैं. बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो मैंने अपनी फैमिली से सीखी हैं, लाइक कंपोजिशन हो गई एंड प्रोग्रामिंग हो गई. सो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं अपनी फैमिली से, क्योंकि दादा मेरे ही वॉज अ पियानिस्ट और फिर दादा से चला. सही. He was somebody who, वो एक जिम्मेदार के बेटे थे और वो, लेकिन उनको म्यूजिक अच्छा लगता था, तो वो ब्रिटिश राज में उन्होंने एक ख्वाहिश की कि बीइंग अ कंप्लीट पेंडू, ही जस्ट वांटेड टू लर्न पियानो एट दैट टाइम एंड ही हैड अ थिंग फॉर पियानो. ओके. तो वो किसी गोरे के शागिर्द हो गए. अच्छा. वहाँ से उन्होंने पियानो सीखा, वहाँ से फिर हमारी फैमिली में फैमिली म्यूजिक आया. एंड देन यू डूइंग सो मच इन म्यूजिक. आई ट्राई. कोक में कितने गाने किए अभी तक? फिर कोक में तो मेरे बेतहाशा गाने हैं, कुछ एज वोकलिस्ट हैं, फिर एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं. सो अभी तक आई थिंक 15 गाने तो होंगे मेरे कोक. इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिसाइड इफ आई से कि एक उनमें सबसे बेहतरीन कौन सा लगता है, जो खुद को बहुत पसंद है. फिर जो मुझे अच्छा लगता है वो अहमद जहाँ सेब ने और शफकत भाई ने गाया था, अल्लाहु अकबर. वो मेरा फेवरेट है बिकॉज वो ऐसा गाना है कि मुझे लगता है कि वो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ. अच्छा. वो मैं लिख ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एक अहमद सामने बैठा हुआ था और एक और भाई थे, वो भी सामने बैठे हुए थे. तो हम कह रहे थे कि यार गाना लिखना है. तो हम गाना कह रहे हैं यार कोशिश करता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, तुम लोग गाओ. अच्छा. तो मैं लिख रहा था गाना और वो आधे एक घंटे के अंदर वो गाना तैयार था. रात को शाम को हम लोग गाना जाएंगे. कितना खूबसूरत गाना है. तो या आई थिंक दैट सॉन्ग वाज जस्ट लाइक इट, वो एक रेवलेशन होती है ना, आपको आती है कुछ चीज़. यू ऑल्सो डिड, आपका एक बहुत पुराना गाना था जो आपने रीडू किया था फॉर कोक स्टूडियो.
मेरा वो प्यार तेरा वो प्यार तेरा वो प्यार यार क्या गाना इट्स द बिगेस्ट हिट यार आई नो यार व्हाट अ ब्रिलियंट सॉन्ग यार व्हाट अ ब्रिलियंट सॉन्ग वो गाने बहुत किए यार सो यू कैन सिंग दैट फॉर अस जस्ट टू लाइंस कौन सा तेरा वो प्यार ये लेकिन तेरा वो प्यार के साथ वो जो पहला गाना मेरा जो नया गाना था वो था बेसिकली तेरा अच्छा, वो प्यार इतना अच्छा वो कौन सा था वो था सुनी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियां ओह माय गॉड कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानी यस ना ना इट्स ओके प्लीज आई वांट टू हियर ये आरज़ू थी कि देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं कर दे कोई नवाजिश करम मेहरबानिया या सो ये क्या बात है आसिम का भी सबसे हिट गाना है यस हां आसिम का यार आसिम का मोमिना का मोमिना और आसिम दोनों का आयशा पेंटिंग जो भी ऐड किया सिंगिंग होस्टिंग एक्टिंग थिएटर डांसिंग इट्स ऑल आर्ट इट्स अमेजिंग यार सब में से कौन सा था बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। I love you it. Can't decide. You want to do all of it. I get bored easily. So you then hop. So I keep hop. Switching. मुझे challenges, stimulation चाहिए होती है, you know. Because I just feel that हम stagnate हो जाते हैं थोड़ा से, you know. Dramas कर रहे थे तो वो एक ही किस्म की stories आप 3-4 साल वो ही drama. 3-4 साल? खूबसूरत वाला drama कब से चल रहा है बोल बोले? कितने 10 साल हो गए? ये भी एक record है यार. मेरे बच्चे तो वो जो बुलबुले है ना मेरे भी बच्चे तो बुलबुले देखते हैं सब कोई ड्रामा नहीं देखते वो ये बुलबुले देखते हैं और एक मजे की बात है कि आजकल वो मोहन साहब का वो एक जो प्रोग्राम था वो भी बड़ा आजकल वायरल हुआ है लूज टॉक जो था यस 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 अगेन सडनली जस्ट डूइंग रियली वेल ऑन डिजिटल अगेन यस इट इज या 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 Yeah, it, and it has some really nice clips, you know. Yeah. Joker wala dekha, Mohan. Joker wala bahut acha hai. Really funny. Memes kamaal bana. Aisha, ye khoobsurat karne se bore nahi hai abhi tak kya? To isi liye itna kuch beech mein karti rehti hu na. Ki wo to ek cheez chal rahi hai. Bas wo 5 din I do that for 5 days a month. Okay. 5 days a month isn't much. Yeah. That's bearable kind. You see, with Bulbule, it's like if any character decides to leave, तो फिर वो शो नहीं चल सकता. नहीं चल सकता. ठीक है? And अगर मैं एक दिन सोचूं कि यार बहुत हो गया. अब मैं आई वॉन्ट टू यू नो डू समथिंग डिफरेंट तो फिर दैट मीन्स दैट एवरीबडी हैज़ टू स्टॉप द शो राइट सो इट्स नॉट फेयर एंड उसकी इतनी डिमांड है माशाल्लाह टच वुड कि दो साल बंद था और फिर से शुरू हो गया अच्छा आजकल किस चीज़ पे काम हो रहा है वर्किंग ऑन टू फिल्म्स आई नो तो आपके साथ फिल्म चल रही है जो अल्लाह अल्लाह करके अब कंप्लीट हो गई उम्मीद नहीं थी तुम्हें थी उम्मीद हसन यार मुझे था कि हो जाएगी उम्मीद तो थी हाँ मैं सोचता हूँ हर चीज का एक टाइम यार है बस 2020 में अगर वो लगनी तो लगेगी वरना नहीं एंड इट्स शॉट रियली वेल इट्स शॉट रियली वेल रियली वेल सो वो फिल्म है देन आई डिड अनदर फिल्म इन बलूचिस्तान यस बस वो भी इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड ठीक है फिर मैंने एक और फैसल कुरैशी की है मनी बैक गारंटी ओहो मैंने उसमें आयशा के गाने के क्लिप्स देखे यार अब वो जब गाना आने वाला है ना फिर जरा आयशा को रोक ले यार वो गाना देखने वाला है आई वांट टू लुक आई वांट टू वॉच दैट सॉन्ग इट्स रियली नाइस या इट वाज सो मच फन दैट वाज मैं कहूंगी कि वो प्रोजेक्ट 2019 का मेरा सबसे फन प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा ऑल्दो इट वाज जस्ट वी आई थिंक 6 डेज का हमारा काम हुआ गाना है और कुछ कैमियो है उसमें सी इट्स अ एंसेंबल कास्ट राइट सो बहुत सारे कैरेक्टर्स 27 कैरेक्टर्स राइट एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ओके सो सबका कुछ थोड़े थोड़े दिनों का ही काम है बट व्हाट अ ग्रेट सेट ओके क्या एनर्जी थी attitude mahol everybody's friendly you know it was aur purane doston ke sath kaam kar rahe the faisal qureshi was my senior in nca to maine apna pehla theater play at the age of 16 kiya tha when I was in school okay and I worked with nca students aur wo bhi faisal ne likha tha aur faisal usme act kar raha okay okay tab se main faisal ko jaanta okay right and then we did college jeans together so ठीक है अच्छा यार आप बताएं म्यूजिक इंडस्ट्री पाकिस्तान की क्या है एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही कोई चैनल्स नहीं है म्यूजिक के यहाँ पे
थे वो भी बंद हो गए, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लोग अपना पर्सनल खुद इन्वेस्टमेंट करके वीडियोस बनाते हैं और फिर अपलोड करते, वो चले ना चले. हाउ डू म्यूजिशियंस काइंड ऑफ सर्वाइव, हाउ डू दे सर्वाइव एंड व्हाट्स हैपनिंग? यार आई डोंट नो, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास अभी वैसी इंडस्ट्री नहीं है जैसी कि जैसी कभी थी. क्योंकि देखिए, एक तो हम लोग रॉ टैलेंट पे बड़ा रिलाय करते हैं कि हाँ हमारे पास रॉ टैलेंट है, लेकिन उस रॉ टैलेंट को नरिश कैसे करना है, उस रॉ टैलेंट को आगे कैसे लेके आना है, इसका कोई सिस्टम नहीं है. और मैं हमेशा इस सिस्टम की बात करता हूँ. मैं चाहता हूँ कि हाँ हमारे पास टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है म्यूजिक में, और बाकी ऐसे ऐसे लोगों ने नाम किए कि बहुत सारे ममालिक में ऐसे आर्टिस्ट आपको नहीं मिलेंगे. भाई इंडो पाक के बड़े जो स्टार्स हैं वो पाकिस्तानी हैं, नुसरत फतेह अली खान साहब, रेशमा और बेशुमार गुलाम अली साहब और बहुत लोग. और ये भी नहीं कि वो सिर्फ स्टार्स हैं, बल्कि वो अपने अपने जॉनर के मास्टर्स हैं. कवाली में देखे तो नुसरत फतेह अली खान साहब है, गजल में देखे तो मेहदी हसन है और गुलाम अली है, नूर जहां, फरीदा खानम साहब, सब लोग. सो हमने बहुत सारी चीजें बड़े कमाल के आर्टिस्ट पाकिस्तान ने दी है. बस दुख इस बात को होता है कि कभी सपोर्ट नहीं किया उस तरीके से. मैं आवाम की सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ. कि गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए, स्टेट को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो टैलेंट है वो ज़ाया हो जाएगा. क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ दो साल तो यू कैन सेलिब्रेट योर टैलेंट, यू कैन से दैट यू टैलेंटेड एंड यू हैव यू नो अब ये अचीव कर लिया मैंने, ये कर लिया, लेकिन उसको लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म कहाँ करेंगे? बिकॉज म्यूजिक तो एक परफॉर्मिंग आर्ट है ना. सो घर में तो नहीं परफॉर्म कर सकता या अपने अपने कंप्यूटर पर तो नहीं परफॉर्म कर सकता. सो ऐसी जगह होनी चाहिए हैं जहाँ पे आर्टिस्ट परफॉर्म करे, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब कैसे, क्या जगह? आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट. व्हाट कैन, हाउ कैन वी इंप्रूव दिस होल थिंग? हाउ? देखिए प्रोग्रामिंग है. आप मुझे बताया कि 90s में जब वो म्यूजिक चैनल चार्ट्स आता था तो वो क्या था? That was a place where we could expect कि यार हमारा गाना आएगा. Indus म्यूजिक था. मैं वीजे थी at that time. We all started from Indus. We all started from Indus. And it was booming. अच्छा, coming back to your family, your mother has worked really hard to raise you. Yes, she has. Yeah. How? मतलब कैसे? क्या? I was a year and a half old जब अब्बू की death हुई थी, and my mother raised me and my brother single-handedly. So she's a single parent, or she was teaching, or hum dono, we were, you know, given the best education, because meri ammi ke liye number one priority was the schooling and education should be the best. Baki kuch ho, obviously, matlab khana mil raha, but you know, expensive vacations or expensive clothes, that wasn't a priority. Education and books. Eidi se kya aata tha? Kitabe. और कुछ नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई जूते नहीं, कुछ नहीं, किताबें. सो आई मीन वी वर ग्रोइंग अप इन अ बेसिक वे, बट वी हैड, आवर हाउस वाज फुल ऑफ बुक्स एंड यू नो आवर एजुकेशन वाज ग्रेट एंड दैट रियली रियली मतलब मैं क्या कहूँ, आई कांट थैंक माय मदर एनफ फॉर दैट, बिकॉज एक एक चीज़ में एहसन, वो सारी चीज़ें काम आती हैं. सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो अम्मी आर्ट एग्जिबिशंस पे भी लेके जा रही हैं, यू नो म्यूज़िक फेस्टिवल्स पे लेके जा रहे हैं, लाइब्रेरीज में बैठे हुए हैं, इंसाइक्लोपीडियाज में रिसर्च कर रहे हैं, इंटरनेट तो था नहीं. सो देर इज़ माशाल्लाह सो मच नॉलेज एंड आई हैव इट एंड आई नो व्हाट आई नीड टू डू. मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल करना आता है, तुम्हें पता है, यू नो आई विल, वेरी कॉन्शियस. मैं अपनी मतलब PR भी खुद कर, मैं अपनी कैप्शंस भी खुद लिख लूँगी, मैं अपनी एडिटिंग भी, आई कैन डू एवरीथिंग माई सेल्फ. आई जस्ट And then you well, when you're you well aware, आप बड़े confident भी होते हैं यार. Yeah, मतलब आप सब लिख सकते हैं, आप सब ठीक कर सकते हैं. You can take care of everything. How important is education लड़कियों के लिए पाकिस्तान में? कितनी जरूरी? It's so important. It's so important. और वो जो एक mindset था जो अब change हो रहा है कि भाई इन्होंने तो शादी करनी है, तो इन्होंने तो बाहर निकल के काम नहीं करना लड़कियों ने, तो इनको यू नो प्रॉपर एजुकेशन या हायर एजुकेशन की क्या ज़रूरत है? भाई उन्होंने इंसानों को इस सोसाइटी में बड़ा करना है, एक इंसान आपने पालना है, उसका दिमाग आपने बनाना है, तो द वुमन नीड्स टू बी सो एजुकेटेड एंड अवेयर ऑफ एवरीथिंग, यू नो इट्स सो इम्पोर्टेंट. सो एजुकेशन इज नंबर वन. लाइक नेपोलियन सेज, गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड नेशन. तो माएं अच्छी होंगी तो हमारे आर प्रॉफिट, यू नो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब तालीम हासिल करो चाहे उसके लिए चीन भी जाना पड़े, यू नो. एंड सो एजुकेशन वाज नंबर वन एंड इट हैज हेल्प्ड एवरीवेयर.
serious. And it does help, obviously, it does. It does. It does help. Achha, aap ye jo music mein aate hain, log aapko milte honge ki yaar hume gaana gaana hai, hume singing shuru karni hai, ladkiyan bhi aate honge. How do you ever help them? Unko leke aate hain? Of course. मैं तो वाकई में बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि सबके एक गोल्स हैं ख्वाब हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को अपनी अपनी पोटेंशियल का पता नहीं होता वो समझता है कि वो बहुत अच्छा है अब उसको उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है हाँ, कि हाँ, वो ये जान चुका है कि उसमें कुछ है अच्छा और ठीक है यू नो ये कॉन्फिडेंस चाहिए होता है लेकिन फिर एक तीसरी आँख होती है जो उसको देखती है तो ऐसे लोगों को भी बड़ा कभी कभी देखना पड़ता है लेकिन यार जिसके अंदर वो बात होती है ना वो बचपन से होती है मुझे याद है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और वो शुरू से ही उनकी पर्सनैलिटी में था कि यार इसने कुछ कर जाना रिगार्डलेस ऑफ उसका क्या वो क्या सीखता है वो क्या करता है उसकी शख्सियत में कुछ कर जाना था आप उसको डिनाई नहीं कर सकते वो डिटर्मिनेशन होती है वो तबीयत ऐसी होती है जो आप देख लेते हैं लोगों में और कुछ लोग होते हैं जो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन उनकी पर्सनालिटी में वो चीज नहीं होती कुछ भी कर ले कुछ भी कर ले वो ऑरा नहीं होता तो वो हार्ड वर्क सारा वेस्ट हो जाता है तो मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हमें अपनी शख्सियत पे काम करना बहुत जरूरी है शख्सियत अच्छी होगी ना तो आप जो भी करेंगे यानी आपको म्यूजिक करना है आपको एक्टिंग करनी है आपको स्कॉलर बनना है आपको कुछ भी बनना है यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट You don't really have to work on that art specifically, yes. but you have to work on yourself first. अपनी शख्सियत को पहले इस काबिल बनाओ कि तुम वो आर्ट तो पहले रिप्रेजेंट कर सको बिकॉज अगर वो आर्ट ही रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो कहाँ लेके जाओगे उस आर्ट को बिल्कुल So you have to create that environment and that aura about your own self, yeah. which is very important. Which is like believing in yourself also. Believing in yourself. बहुत सारे लोग इतने insecure होते हैं about their own talents. और दूसरा mental health. Oh yes. जिस पे zero emphasis था अब शायद 2-3 सालों में यार मैं बताऊं आयशा मुल्क में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस उसके बाद भी शुरू हुई है यू नो हां नहीं अच्छी बात है अभी हम लोग बात कर रहे थे ना इसकी जैसे मदर्स की बात करते कितना इंपॉर्टेंट है मैं कहता हूं एजुकेशन जो है ना वो तो इंपॉर्टेंट है ही है लेकिन जिस जिस चीज की हम लोग बात करते हैं ना वो तरबियत है वो एजुकेशन नहीं है बिल्कुल सिर्फ मतलब तालीम नहीं सिर्फ तालीम की कॉलेज की नहीं वो तरबियत जो एक तरबियत होती है तरबियत वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक वो ज्यादा जो माँ होती है वो तरबियत करती है बिल्कुल जैसे बाप जो है ना वो उसके काम धंधे में उसकी हेल्प करता है कफालत करता है बट ज्यादातर तरबियत बाप का भी एक बड़ा रोल है जिसने तरबियत करनी है अगर वही उसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है या उसी को आपने नहीं है वही खराब है तो वो क्या बचेगी नेगेटिविटी सो यू हैव टू मेक श्योर द वुमन लिविंग इन योर हाउस इज ऑल सेट इज जस्ट हैप्पी बट यू सी सर्कमस्टेंसेस भी तो ऐसे होते हैं कि Sometimes women are dealing with so much domestic abuse, in-laws' ke issues. Ab single parent hai, like my mother, she was a single parent, so there were financial issues. There was society ka pressure. A woman living in Pakistan, raising 2 kids, wo itne crore issues. Jahan jaye koi na koi issue. So I feel that as a society, we need to nurture each other. Of course. You know. लाइक नॉट जस्ट के जो मियाँ है वो अपनी बीवी को खुश रख रहे हो यू नो एज अ सोसाइटी वी नीड टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें हम एक दूसरे को अपलिफ्ट कर रहे हो दैट्स व्हाट आई फील ट्रू अच्छा शादी का प्रेशर होता है क्योंकि हमारे आमतौर पे हर लड़की वो 20 22 साल 24 साल क्रॉस करती है शादी का पूछते हैं लोग वेल थैंकफुली मेरी अम्मी ने तो बिल्कुल कभी शादी का प्रेशर नहीं दिया बिकॉज Because she was widowed at such a young age and she was like, apna career pehle aap banao. Then, whenever you want to get married, koi mile pasand aaye, do not make a compromise. If you don't want to get married, don't get married. Mujhe nahi lagta that shaadi is the ultimate achievement in life. Jo usko banaya jata hai. I mean, agar aapko aisa achha life partner mile, jo you know can love you, respect you, be supportive, do it. लेकिन मैंने भी जितनी शादी अटेंड की ना पिछले एक महीने में 21 साल 20 साल के बच्चे शादियां कर रहे हैं यार और वो खुशी से शादी कर रहे हैं पेरेंट्स खुद ही शादी करा रहे हैं वो खुद शादी कर रहे हैं यार एक 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 इशू ये भी होता है दैट मोस्टली वुमेन वांट टू गेट मैरिड गर्ल्स यंग बिकॉज फाइनेंशियल उनको डिपेंडेंस होती है ट्रू यू नो व्हाट आई मीन अगर आप अपना पैसा खुद कमा रहे हैं अगर आपका करियर है तो आपकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस तो नहीं है राइट Then you don't need a man. You want to be with somebody.
So I feel everybody should, you know, be working and have a career ताकि आपको मजबूरन कुछ ना करना पड़ रहा हो. You know, I feel that. And families के लिए भी. सही. क्योंकि यही होता है ना, उनको ये होता है हमारी बेटी का घर बस जाए. उसको सपोर्ट मिल जाए. सही. उसको कोई बंदा हो जिस पे वो डिपेंड कर सके. Right? True. फील्ड में इतना कंपटीशन होता है, कभी आप यहाँ भाग रहे हैं वहाँ एंजाइटी भी हो जाती है, आप थक भी जाते हैं, डिप्रेशन भी होता है, टेंशन, स्ट्रेस, ये करना है वो करना है. हैव यू एवर गॉन थ्रू दिस कंपटीशन या सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन? या देयर हैव बीन सच फेजेस ऑफ डार्कनेस. बिकॉज़ देखो, जब व्हेन यू गो दिस हाई यू ऑल्सो कम डाउन दैट लो, यू नो, लाइक we are in front of thousands, millions of people all the time. Sabki judgment, sabki nazrein aapke upar hoti hain aur aap juggle kar rahe hote ho. You're seeking approval, you are trying to compete, you're looking your best. So obviously there are days jab aapko lagta hai yaar, I'm not good enough. And I'm not good as good as this person, I'm not doing as well as this person. Social media is the number one culprit of adding to that anxiety. और मुझे लगता है मेरे नए साल की resolutions में एक ये resolution है कि मैंने अपना social media पे time limit करना है. Okay. बस limit करना है. Okay. मुझे एक aimless scrolling होती है ना. हाँ. कहीं भी wait कर रहे हैं. दो घंटे, तीन तीन घंटे चल रहा है. नहीं. भाई दो मिनट के लिए आपने wait करना है. आप Instagram और Facebook पे scroll ही करते रहते हैं. You know, you're always scrolling. Yeah. And you're getting bits of information that you don't need. Need, yeah. आपको जिंदगी 25 लोगों की जिंदगी की अपडेट मिल रही है. क्यों? आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? What do you want to know? Yeah, yeah. You know, और आपको it's unimportant. Extra information मिले जा रही है, मिले जा रही है, मिले जा रही है. तो आप अपने ऊपर कब काम करेंगे? हाँ. So I really want to limit okay, cool. my time. और पिछले एक साल मैंने बहुत travel किया. So I took a lot of time away from this industry. All this pollution, social and media and all it that. Was amazing. Okay. और जिसको मौका मिले खुद को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है. ट्रैवल करें भाई. बिल्कुल. ट्रैवल भी करें और खुद को टाइम दे अपने लिए. अच्छा, पाकिस्तान में पास्ट में अभी रिसेंटली फेवरेट सिंगर कौन है पाकिस्तान में? हाँ यार बहुत हैं. मैं अभी एक दो नाम चले मेरे तो मुझे हमेशा से रुसफ अली खान साहब को मैं बहुत अच्छा ठीक है क्योंकि वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो कंपोजर भी थे, रिदमिस्ट थे. सही. तो वो एक गाना का जो बनाने का हुनर है वो हुनर जो है वो उनको कमाल आता. तो लास्ट सिंगर को कभी इतना ऐसा फॉलो नहीं किया बीइंग अ म्यूजिशियन. किसी की आवाज सुनने में अच्छी लगती भी होगी ना. खातून, खातून यंग पीपल में भी यार मुझे कभी सुना नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बता दे यार, ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल सुने हैं. कोई तो अच्छा, कोई तो अच्छी लगती है. आई लव हिज वॉइस, आई लव हिज वॉइस. आसिम, आसिम लाइक मोबना. आयमा बहुत अच्छा गाती है. आयमा चाह रहा था मैं ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सुनूं, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे फिर कुछ सुनेंगे. छोटा सा ब्रेक लेते हैं. कीप वॉचिंग बोल लाइव्स विद एसएम. अलिफ बस चिट्ठियां लिख लिख यार मनावाते यार ना हो यार राजी रब सोने नू अर्ज में भेजा दे दे दुनिया सारी. अलिफ बस, अलिफ बस 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 बस. सिग्नेचर वो है इफेक्ट. अच्छा, कि वो क्या क्या बीट डिले डिले. अच्छा, कोई इतने गाने मतलब ऑलमोस्ट हर दूसरा तीसरा गाना हिट हो जाता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कोई फॉर्मूला ज़हन में रखा होता है या क्या है यार? फॉर्मूला कोई नहीं है. मुझे परसों भी सवाल पूछा एक, अभी एक बड़ा मशहूर हुआ था गाना वो गधे का. हाँ, तो वो डोंकी राज जो डोंकी हाँ, हाँ, मैंने गाया. हाँ, अच्छा, अब इज वेरी पॉपुलर. तो वो मैंने तो गा दिया. मुझे नहीं पता किसकी एनिमेशन बन गई है और वो जो उसके जो प्रोड्यूसर है इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन. तो वो मुझसे गवा के तो ले गए. लेकिन एक दिन मेरे पास आया, कहते देखो एनिमेशन 2016 की बात बता रहा हूँ आपको. ओके, या
मैंने कहा अच्छा बहुत हिट है, बहुत हिट हुआ, एनिमेशन बना दी. एंड आई नेवर वांटेड टू सिंग दैट सॉन्ग. व्हाई नॉट? बस वो नहीं था यार, मेरे वो गाने ऐसे हैं नहीं, और मैं थोड़ा सा वो था, हेजिटेंट था. लेकिन वो जब आया तो पार्ट ऑफ योर वर्क मैन यार. इसलिए कि वो एक मिमिक करके गाना था उसको. ओके ओके. खाला तो शेर कभी खाला, तो वो मिमिक करना था बेसिकली. तो वो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था. Anyhow, but are you a little shy? Shy. I was just gonna say that. हाँ यार, both are together. जिग्स. है ना, so just like वो, shy. मुझे हाँ, comfort होना बहुत लाजमी है. I have to be pretty comfortable in what I'm doing. लेकिन वो हो जाता है. Interviews देना भी कम अच्छा लगता है. बहुत कम. हाँ, बहुत कम. ठीक है. अच्छा, अगले सेगमेंट की तरफ चलें. मैं फिर बातें शुरू हो गया. मेरा जो डायरेक्टर मेरा वो है ना, वो आवाजें लगाई जा रहा है मुझे. यार आगे जाना था ना, बातें छोड़ दें, बहुत बातें कर ली हम. आगे बढ़े, कौन जाएगा पहले? इसमें भी आपने देखा 15 सवाल थे मेरे लिए, 15 फिर करेंगे 15 सवाल. ओके कूल. चूज द नंबर यार. 1. ओके. ओह गॉड. अच्छा चलो. आसान होना चाहिए आयशा ये. इज इट? मतलब मतलब क्या? इट्स अ सॉन्ग. इट्स अ सॉन्ग. ठीक है. हाँ. You know what that means? Yeah. Pehla. First word. Huh? First word. Toot. Huh? Tooty. Tooty. Huh? Second word. Chudi. Huh? Sorry, sorry. Ha, chudi, chudi. Yeah, chudi, chudi. Ha, ha, ha. Chudi, chudi, chudi. Chudiya bhi tooti, yaar. Lekin pehla love tooti hai. Pakistani gaana hai. Tooti. Theek hai? Theek hai. Okay, okay, okay. Dusra word. Theek hai. Okay. क्या खा रही है? What is she eating? बोल. हाँ, क्या कहते हैं इसको? मतलब किस फैमिली का पार्ट है ये? एप्पल. What is it? सेब. इतना परेशान हो गया बेचारा. नहीं, सेब क्या? क्या होता है सेब? दिस इज फनी. सेब क्या है? सब्जी है. फल. हाँ, अब इसको अंग्रेजी में. This means change of language. Tutti frutti. तो कौन सा गाना ये? कोई गाना होगा टूटी फ्रूटी, टूटी फ्रूटी टाइप का. नहीं. नो. मजाक कर रहे हो? नो, आई मीन आई जस्ट. सीरियसली. ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है. मेरा गाना है. ओके. नहीं आया, जहन में नहीं आया. तू नहीं पता. भाई सुना दे इनको. ही इज ब्लैक. Yeah, I love this. I'm glad you. Tutti frutti song. I mean, tutti buddy. अब सुना मेरा. आयशा का गाना इतना मशहूर. एक और. आयशा कौन है? आयशा कौन? Next. Of course. He's just trying his best. Come on, give him some margin, yaar. I'll do my best. But of course, this song is like. Damn. Okay. Okay. Thanks for saying that. Okay. One number now. Number 3. Allah. How do I make? Okay, it's again a song or a mahavra? Song, Pakistani song, contemporary, sung by a woman, girl. Okay. Che. Che lagde? Pehla word. Line hai ek puri. Pehla word. Pehla word. मैं. हाँ हाँ हाँ. मैं पहला वर्ड. मैं. फोर्थ वर्ड. मैं नहीं. मैं डैश डैश नहीं. ठीक है. ओके. मैं डैश डैश नहीं. ओके. दूसरा वर्ड. दूसरा. दूसरा वर्ड दिखाओ. करो. दूसरा वर्ड फिल्मों में क्या? मैं पंजाब नहीं जाऊंगा. ये क्या? नाइस.
बट वो चौथा अच्छी ट्राई मैं दूसरा वर्ड बड़ा इजी है यार. हां ये क्या कर रही है, क्या कर रही है आयशा, क्या तुमका, हां मतलब क्या होता है ये जो फिल्मों में होता है, कम ऑन यार, मेरा 24/7. अरे ये भी अच्छा है यार, ये भी सही है, लेकिन नहीं 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 करना उसने, ये सही नहीं है, उसने ये नहीं करना, उसने ये नहीं करना. क्या है? अच्छा मैं नचना नहीं. थर्ड वर्ड क्या है? मैं आइटम नंबर नहीं. आई गॉट इट. वेल डन. इन्हीं की फैमिली का गाना है. फिर भी नहीं याद आ रहा था. फिर भी मैंने बताया यार लोगों, ये मैंने बताया. एक और आयशा, एक और लास्ट ओके नंबर 5. ओके महावरे सुने भाई, सुने भाई, सब भूल गए. ओके 5 वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड तैरना. हाँ डूबना. हाँ हाँ पहला वर्ड डूबना. हाँ थर्ड वर्ड. ओके क्या ढूंढ रही है? अब मुझे पता है क्या ढूंढ रही है. झाड़ू का तिनका. हाँ अब महावरा बता दो यार. डूबने वाले को तिनके का सहारा. लेकिन जो बेस्ट चीज है जो आयशा ने बैठ के झाड़ू दिया झाड़ू में, वो भी इन कपड़ों में बड़ा कूल लगा. आइए जी आपकी बारी. मेरी बारी. हाँ ऑफकोर्स एक्टिंग ट्राई करते हैं ना यार. झाड़ू इज ग्रेट एक्सरसाइज. ऑफकोर्स इट इज. यस 10 खत्मी नंबर है. ओके गाना सॉन्ग पाकिस्तानी. Yes. How many words? 5 words. 5 words. ठीक है जी. दिल प्यार. हाँ. पहला वर्ड है. नहीं वो कौन सा वर्ड है प्यार? थर्ड वर्ड है. समथिंग. पहला वर्ड क्या है? मेरा वो प्यार. हाँ हाँ. Yes, she's got it. Yeah. I told you I'm very good. दिमाग चेक करे, दिमाग चेक करे आयशा का. आगे एक और. Next. Next. आयशा tell the number. बताइए. 6. महावरा ठीक है. 6 वर्ड्स. ओके पहला वर्ड पेचा. रोप. उर्दू रस्सी. हाँ रस्सी से कौन सा महावरा शुरू होता है? रस्सी. माचिस आग. हाँ, क्या? हाँ, जलाना. हाँ, हाँ. ये दूसरा वर्ड है रस्सी जलाना. हाँ गई. हाँ ये लास्ट वर्ड रस्सी जल समथिंग समथिंग गई. हाँ बहुत इजी है यार. नहीं आयशा बहुत इजी है. आयशा नहीं सुना है ना? नहीं सुना है. बहुत मशहूर है. रस्सी जल गई बल नहीं आया. मैंने नहीं सुना. अच्छा बल का मैं क्या बोलता है यार? खुद बस यूं करके कुछ खुद उल्टे पुल्टे हो गए. मेरी फरमाइश पे 9 कर लीजिए. अच्छा जी 9 में ऐसा क्या है? मुझे दिख रहा है कुछ इसमें. उनका फेवरेट नंबर है. ओके गाना यार ये गाना है लेकिन I don't think पता होगा. आयशा को पता होगा. पता होगा 100% पता होगा. ये कुछ मैंने भी किया इसके साथ. पाकिस्तानी है. पाकिस्तानी है. अच्छा फिल्म का है. और पंजाबी है. पंजाबी है. मैडम का है. ओके मैडम नूरजहां का गाना है. बहुत मशहूर गाना है. पांच वर्ड्स हैं. पहला बता रहे हैं मैं. पांचवा वर्ड. पहला वर्ड या पांचवा okay. मैनू. कैसे बताओ यार? ये बहुत मुश्किल है यार. दिल. ओके मैडम का बड़ा फेमस गाना है. ओके सेकंड वर्ड. सेकंड सानू तो नहीं था? भागना. पंजाबी में स्लो. पंजाबी में स्लो. हाँ पंजाबी में तेज. हॉले. ये बिल्कुल सही है. ठीक है समथिंग हॉले. सेकंड वर्ड हॉले था. मेरा. हाँ हॉले मेरा. थर्ड वर्ड है मेरा.
वैसे ये मुश्किल है बता, ये एक्टिंग करना मुश्किल है भाई, बेचारे को इतनी मुश्किल है। गाना तो बहुत इजी है। अच्छा भाई गाना चला दें यार, I love this song. क्यों नहीं आया मुझे? You've done this? Yeah. मैं था मरू। Of course. This is a nice song, yeah. Okay, जनाब जबरदस्त एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बॉल लाइंस विद एहसन खान। वेलकम बैक जनाब। अच्छा यस नो का ये हम सवाल आते हैं बड़े सिंपल से, और आयशा ने कहा मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इसलिए मैं सब कुछ बोल दूंगी। अब देखते हैं आयशा कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी। नहीं, हम बुराई का पूछेंगे भी नहीं। अब मैं क्या ऐसे पूछूंगा कि वो बहुत बुरी है yes or no? उसको एक्टिंग नहीं आती yes. उसको एक्टिंग नहीं आती। फ्लैम को इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। यस आयशा उसको एक्टिंग नहीं आती। नो ये भी तो एक ही है ना, यस और नो एक ही जवाब। नहीं आती यस नहीं आती नो नहीं आती राइट। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो यस नहीं कहा था, ये भी हो सकता है। अच्छा कभी काम करते वक्त किसी को थप्पड़ मारा है? मतलब कि रियलिटी में, शूटिंग में कभी कि गुस्सा लड़ाई ड्रामे में तो बहुत मारा है। नहीं मतलब बात है रियल लाइफ की। नेवर। मुझे भी उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं। कभी एक्चुअल जिंदगी में भी नहीं मारा। ओके कभी नहीं बाकी आयशा? नेवर स्लैप्ड अ बॉय। ऐसा नहीं लगता कुछ याद आ रहा है। नहीं यू नेवर स्लैप्ड अ बॉय। आई नेवर स्लैप्ड अ बॉय एवर। आर यू श्योर? नेवर इन ड्रामास। यस या जस्ट किडिंग मैन। एक दफा हुमायूं सईद को इतना बुरा थप्पड़ मारा। ओके अच्छा कभी ऐसा हुआ कि इवेंट पे किसी ने बुक किया हो, किसी शो पे बुलाया हो या होस्टिंग पे या कहीं पे, और वो पैसे लेके भाग गया हो? यस आज तक नहीं मिले। यस नहीं ये अक्सर होता है, इसका मतलब बहुत अक्सर लोग जब पूछ रहे हो उनके साथ यस ये हुआ होता है, स्पेशली इंटरनेशनल शोज। ओके एडवांस में लेना चाहिए पैसे हमेशा? उस वक्त नहीं दिए, मान गए। हाँ बस अब अभी चले जाएं स्टेज पे, व्हेन यू कम डाउन पेमेंट हो जाए। अच्छा ये इसका तरीका है, ਪਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ ਭਾਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਹੀ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪ ਉਨਕੋ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਬ ਜਬ ਐਸੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਉਸੇ ਕੋ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ, ਕਸਮ ਸੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਭੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਏ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਅਕੇਲੇ ਡਾਂਸ ਕੀਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ये फनी बात है, मुझे तो बेचारा कभी नहीं करेगा डांस। मैं अच्छा मैंने डांस मैंने अपने गाने पे, अपने गाने पे गया। अच्छा कभी गलती से गलत जेंडर के बाथरूम में घुस गए हैं कहीं मॉल में कहीं पे? जान के हाँ। आशा क्यों? खाली था। ओके लड़कियों पे लाइन थी। नहीं अच्छा अभी हम जहाँ शूटिंग कर रहे थे वहां पे एक ही याद है शालीमार गार्डन में एक ही खवातीन का बाथरूम जो लॉक हुआ था उसमें सब मर्द भी जा रहे थे, आदमी भी जा रहे थे सारे। अच्छा कभी सिग्नल तोड़ा? Well, I try not to. Okay, but you have. But yeah, but I don't let हमने my driver do it. ये जो सब्ज़ रंग है ना I try not to. Okay. But कभी काम करते किसी को एहसास दिलाया कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या करती या मेरे साथ ज़्यादा मतलब ज़रा थोड़ा दूर या ओके एंड यू? कभी नहीं किया होगा, कभी नहीं। बुरा भी कोई लग रहा होगा तो ये बेचारा बोलेगा कि हाँ भैया नहीं वो काम ही नहीं करेगा उसके साथ जो उसको बुरा लगेगा। जो बुरा लगेगा मैं काम ही नहीं करूंगा। हाँ हमें तो करना पड़ता है। एक से ज्यादा बार मोहब्बत हुई जिंदगी में? यस यस नो नहीं नहीं ऑल गुड ओके। अच्छा दिस इज फॉर आयशा स्पेसिफिकली। कभी किसी को एक्टर से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो, उसे जान बूझ के बहुत तंग किया हो? फीमेल? हाँ एक्ट्रेस या नॉट समबडी आई वाज वर्किंग विद ओके बट यस समबडी इन द इंडस्ट्री यस। और मजे की बात है कि वो अब कहीं नहीं है। वो अब कहीं नहीं है? लाइक शी वाज वेरी फेमस, वेरी नो शी वाज वेरी मीन एंड वेरी कनाइविंग, और उसने जान के बहुत कैलकुलेटेड वे में चीजें की
and they were very hurtful, and I was still very nice to her, and I still kept giving her chances, and karma just took care of everything. True that. I really believe in karma. मतलब मुझे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती खुद ही अल्लाह देख रहा था बिल्कुल सही अल्लाह कर देता है अपने टाइम से सब हो जाता है वही अल्लाह कहता है माफ कर दो मैं देखूंगा माफ कर दो अच्छा आप लोगों की फिल्म में कोई है कोई कटवाने का चक्कर कि उसने कटवा दिया काम हमारी फिल्म में तो बहुत ज्यादा है हमारी फिल्म में तो बहुत ज्यादा हालांकि इतना कम काम है मतलब शायद इसलिए कम काम है शायद इसलिए बिकॉज हर बंदा कोई ना कोई उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है तो मैं कहता हूँ कि ना यहाँ पे बोले ना कि यार एक रिक्शे वाले को बोले मुझे अमेरिका ले जाओ उड़ा के 2 करोड़ दूंगा कहता ठीक है 2 करोड़ दो मैं तुम्हें ले जाऊंगा वो ये नहीं कह सोचता कि मैं रिक्शे में तो नहीं लेके जा सकता उसको उड़ा के बट जस्ट उसको पैसा मिल रहा होगा ना ही विल से यस वो काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो वो काम एक्सेप्ट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज उनको पता होता है कि यार इसके पैसे मिल जाने हैं और कहीं और ना चला जाए कहीं और ना चला कहीं और ना चला इसलिए वो